के सबसे बड़े सुपरस्टार इनकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं और लाखों बच्चे, लेकिन वहां पर उनको पेरेंट्स को इमोशनली मैन्युपुलेट करने का साल हर टाइम हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। ईयर 2021 निकाल दिया जाता है और कंपनी करोड़ों रुपए के लॉस में चली जाती है। यहां पर सबसे इम्पोर्टेंट रीजन जिसने सबसे ज्यादा इफेक्ट किया है कंपनी को वो है 2011 में 20 से 30 बच्चों के साथ शुरू होने वाली ये कंपनी 10 साल के अंदर की मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप कंपनी बन जाती है। इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार इनकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं और लाखों बच्चे इनके कोर्सेज खरीदते हैं, और यहाँ तक कि ये कंपनी आईपीएल और फीफा वर्ल्ड कप तक के टाइटल स्पॉन्सरशिप करती है, और काफी तेजी से ये कंपनी इंडिया की एडटेक कंपनियों में सबसे टॉप पर आ जाती है। लेकिन बोला जाता है हर दिन हर साल हर टाइम हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। ईयर 2021 बायजूंस के लिए उसका डाउनफॉल लेकर के आता है। न्यूज मीडिया पब्लिक ऑलमोस्ट सभी लोग बायजूंस के अपोजिट बोलना शुरू कर देते हैं। कंपनी के फंक्शनिंग पर सवाल उठाना शुरू कर दिए जाते हैं। ऑडिटर्स और बोर्ड मेंबर्स खुद कंपनी को छोड़कर निकल जाते हैं, और उसके बाद हजारों एम्प्लॉइज को निकाल दिया जाता है और कंपनी करोड़ों रुपए के लॉस में चली जाती है। आज के टाइम पर बायजूंस की हालत यह है कि बीसीसीआई भी बायजूंस को कोर्ट में लेकर के आ गई है स्पॉन्सरशिप इशू को लेकर के, और यहाँ तक कि ईडी ने तो इन्हें 9000 करोड़ के फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन में एक्यूज किया है। लेकिन अब यहाँ पर आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग बात और कंपनी के लिए हैरान करने वाली बात कि 2022 में जिस कंपनी की वैल्यूएशन 22 बिलियन डॉलर थी वो उतर कर एकदम से 3 बिलियन डॉलर हो जाती है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि कंपनी का इतना बड़ा डाउनफॉल कैसे हुआ। प्रैक्टिकली कंपनी के काफी सारे रीजंस हैं उसके डाउनफॉल के, लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट रीजन जिसने सबसे ज्यादा इफेक्ट किया है कंपनी को वो है मैन्युपुलेटिव सेल्स। 2011 में बायजूंस के फाउंडर और उनकी वाइफ ने बायजूंस के बारे में प्लान किया, और 2015 में बायजूंस द लर्निंग ऐप नाम से अपने एप्लीकेशन को लॉन्च किया। 2016 में बायजूंस के फाउंडर ने ये क्लेम किया कि उनके ऐप के 55 लाख डाउनलोड्स हो चुके हैं, जिसमें से 2.5 लाख यूजर्स पेड एनुअल सब्सक्राइबर्स थे। ऐसे ही चलते चलते 2019 तक बायजूंस के 4 करोड़ यूजर हो चुके थे। अब यहाँ पर बायजूंस ने 2022 में अपनी मार्केटिंग और एड्स पर 2250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। वहीं उनका रेवेन्यू 2428 करोड़ था। यहाँ पर इन चीजों को देखने के बाद क्लियरली ये समझ में आता है कि बायजूंस ने अपनी कंपनी के ऊपर और अपने एम्प्लॉयज के ऊपर इन्वेस्ट ना करके एडवर्टाइजमेंट में रिस्की इन्वेस्टमेंट करी थी। अब ये जो सारी चीजें थी ये फिर भी नॉर्मल थी, लेकिन अब यहाँ पर आती है इनकी सबसे इम्पोर्टेंट, इनकी सेल्स प्रैक्टिस। 2020 में बायजूंस ने अपने एक एम्प्लॉय को बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट की पोजीशन पर लिया, लेकिन वहां पर उनको पेरेंट्स को इमोशनली मैन्युपुलेट करने का काम दिया गया था, और जो भी बायजूंस के एम्प्लॉय पेरेंट्स से बात करते थे वो एज अ सीनियर मेंटोर बनकर के बात करते थे, जिससे पेरेंट्स का ट्रस्ट जनरेट हो और पेरेंट्स उनकी बात को सीरियसली लेना शुरू कर दें। बायजूंस के पास काफी सारी ऐसी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज थी जिसमें क्लियरली ये बताया गया था कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को हमें कैसे बेवकूफ बनाना है। यहाँ पर इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि जो भी स्टूडेंट इनके एप्लीकेशन को अपने फोन पर डाउनलोड करता और उस एप्लीकेशन पर साइन अप करता, जिससे इनको स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती और फाइनेंशियल कंडीशन भी पता चल जाती स्टूडेंट की, और फिर उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर बायजूंस के एम्प्लॉयज अपने कोर्स की प्राइस सेट करते और अलग अलग स्टूडेंट की फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से उसको अपना कोर्स सेल करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट की फाइनेंशियल कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी है तो उस स्टूडेंट को कोर्सेस काफी ज्यादा महंगे बेचे जाएंगे, और अगर किसी स्टूडेंट की फाइनेंशियल कंडीशन खराब है या फिर मीडियम है तो उसके जो कोर्सेस के प्राइस होंगे वो कम होंगे। और बायजूंस के एम्प्लॉयज को कुछ इस तरीके से ट्रेन किया गया था कि वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को इमोशनली मैन्युपुलेट करके अपना कोर्स बेच ही देते थे। अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर बायजूंस को अपने बिजनेस को इतना तेजी से ग्रो करना और इतने कम टाइम में इतना बड़ा बिजनेस एक्सपेंड करना यहाँ पर सबसे बड़ा मेन रीजन था बायजूंस के डाउनफॉल का। अब इन सभी चीजों के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और स्क्रीन पर दो वीडियोस आपको दिख रहे होंगे, आप उन दोनों वीडियोस को भी जाकर के चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, बाय बाय।